अब एक बार फिर से मैं प्राची का रुख करूंगा जो बताएंगी कि आखिरकार अवध में क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अवध की कुल 118 सीटें हैं और अवध क्षेत्र में क्या स्थिति है 18 दिसंबर को, यानी आज चुनाव हो तो अवध में किस तरह की स्थिति बनकर सामने आ सकती है, ये रुक करते हैं प्राची के पास। जी प्राची, बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए अब क्षेत्रवार हम यूपी का सर्वे बता रहे हैं, यूपी का मूड बता रहे हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र का अपना एक अलग मिजाज है जो कि हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हमारा सवाल अवध को लेकर है, 118 सीटों को लेकर है कि अवध में अगर आज चुनाव होते हैं तो किसे कितने वोट मिलेंगे। अब इसके जवाब जो हैं वो सामने आ गए हैं, इसकी फाइंडिंग सामने आ गई हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। भाजपा प्लस को 42% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 32% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बसपा को 11%, जबकि कांग्रेस को 8% और अन्य को 7% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहित जी, बिल्कुल प्राची, और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर के लिए। अवधेश का अवधेश हमारे साथ लगातार ब्रेकिंग सेंटर से जुड़े हैं। जी अवधेश, क्या है बड़ी खबर जो प्राची ने अभी अवध की तस्वीर दिखाई? बिल्कुल जी, अवध को लेकर ये बड़ी खबर है और सवाल यही था कि अभी चुनाव हुए तो अवध क्षेत्र में किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, तो इसका जवाब ये है कि भाजपा को अवध क्षेत्र में अभी बढ़त बनी हुई है और 42% वोट मिलने का अनुमान अवध क्षेत्र में भाजपा को दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी को तो 32% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अनुमान में आगे बढ़े तो अवध क्षेत्र में जो सपा गठबंधन है 32% वोट मिलने की बात है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 8 और बसपा को 11% वोट मिल सकते हैं। तो ये अवध क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन जब फ्री की पॉलिटिक्स भी अब आ चुकी है सियासत के केंद्र में, तो रोहित जी ऐसे में तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल अवधेश, और सीधा रुख करते हैं प्राची, हमारे साथ जुड़ी है। प्राची, क्या तस्वीर निकलकर सामने आई